जैसे कि आपको कुछ ही देर पहले हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बाइनांस की एक अनाउंसमेंट सेंड किया कि यहाँ पर बाइनांस एक क्वींस को न्यू लिस्ट करने वाला है, एपीटी को अपने एक्सचेंज पर बाइनांस उसको लिस्ट करने वाला है। सो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप किस तरह से इस तरह के न्यू लिस्ट क्वींस को पहले से ही यहाँ पर बाई कर सकते हैं और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, लाइक 50% से लेकर 100% या उससे भी ज्यादा, वो भी कुछ ही देर में। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं एक और बात भी यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पर जितना ज्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा उतना ही यहां पर आपको रिस्क भी लेना होगा। अगर आप यहां पर रिस्क टेकर नहीं है देन आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर जितना आपको प्रॉफिट हो सकता है उसी ही तरह आपको यहां पर लॉस भी हो। ये रिस्क आप तब भी लीजिएगा जब आपके पास कुछ फालतू फंड पड़ा है। अगर आपके पास यहां पर $1,000 है उससे भी ज्यादा, तो आप वहां से $50 या $100 को यहां पर रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज यहां पर आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो अच्छा खासा यहां पर होगा, और इसी तरह लॉस भी हो तो वो भी आपको अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपने किस तरह से क्वींस को पहले से बाय करना होता है और किस तरह से आप इसको यहाँ पर बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइनांस ने कल यहाँ पर पॉलीएक्स को यहाँ पर लॉन्च किया, तो अगर आप यहाँ पर देखें जैसे ये लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद इसने लगभग 125% तक का यहाँ पर पंप लिया, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लगभग कोई 100% तक यहाँ पर डाउन भी आ चुका है, 45% तक यहाँ पर डाउन आ चुका है लाइक। तो हमने यहाँ पर किस तरह से इसको बाय करना है, जिस तरह आपको यहाँ पर हमने टेलीग्राम में अपने यहाँ पर अपडेट सेंड किया, तो आपने यहाँ पर जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि बाइनांस इसको कब लिस्ट करने वाला है, किस डेट को। तो जैसे आपके सामने ये पेज ओपन होगा तो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं बाइनांस कि कब किस डेट को लॉन्च होगा, किस टाइम लॉन्च होगा, वो आप सब यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है 2022 and 10/19, मीन आज 18 है तो ये कल लॉन्च होगा, किस टाइम होगा, यहाँ पर ये टाइम भी लिखा हुआ है 1 UTC। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर पाकिस्तान या इंडिया में, आप इंडिया रहते हैं तो आप उसका देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंडिया का दिखा देता हूँ, तो इंडिया में यहाँ पर 6:30 पर ये AM पर ये लिस्ट होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान का देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान में 6 AM में ही यहाँ पर लॉन्च हो लिस्ट होगा। आपने इसको किस तरह से बाय करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसका नाम जो यहाँ पर प्रॉपर इसका पूरा यहाँ पर इसका जो नाम है इसको आप यहाँ पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर क्वीन मार्केट कैप पर आए, यहाँ पर इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये नजर आएगा नो रिजल्ट फॉर अपडेट्स APT। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर चलेंगे क्वीन इको पर, यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा प्रीव्यू ओनली, और यहाँ पर कोई भी इसकी डिटेल्स आपके सामने शो नहीं हो रही होगी। जस्ट आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ट्विटर विजिट कर सकते हैं, ये चीजें आप इसकी विजिट कर सकते हैं। ट्विटर पर अगर आप देखें तो इसके 200K फॉलोअर है, और इसके साथ वहां पर ये डेली अपडेट कर रहे हैं, 5 घंटे पहले उन्होंने एक अपडेट दिया है, तो आप यहाँ पर भी इसको जाकर रीड आउट कर सकते हैं ये नेक्स्ट किस एक्सचेंज पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैं क्वीन मार्केट कैप या क्वीन गीको का यहाँ पर शो करवाया है, इसका मतलब ये है कि ये APT पहले किसी भी एक्सचेंज पर लॉन्च नहीं हुआ। अगर ये पहले किसी एक्सचेंज पर लॉन्च होता देन हम क्या करते, देन हम ये करते कि हम अपना फंड उस एक्सचेंज पर शेयर करते, लाइक अगर किसी अच्छे एक्सचेंज पर ये पहले से होता, बायबिट या किसी और पर, तो वहां पर आपने क्या करना है, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना, आप यहां से फंड ट्रांसफर करें और किसी और एक्सचेंज पर ले जाएं और वहां पर उसको बाय करें, देन उसको वहां पर ट्रांसफर करें आप बाइनांस पर और तब सेल करें। इस तरह आप अगर करेंगे तो आपको प्रॉफिट कम लॉस ज्यादा होगा। आपने क्या करना है, अगर कभी लेट्स सपोज ऐसा होता है कि बाइनांस ने कोई अनाउंसमेंट किया तो कि वो कल ये क्वींस को न्यू लिस्ट करने वाला है, और आप यहाँ पर क्वीन मार्केट कैप या क्वीन किको पर आए हैं और वो पहले से अवेलेबल है किसी और एक्सचेंज पर या नंबर ऑफ एक्सचेंज पर अवेलेबल है, लाइक क्वीन पर, यहाँ पर बाइबिट पर, और कितने भी हैं किसी 5-6 एक्सचेंज पर वो अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस एक्सचेंज पर आपका फंड पड़ोगा आपने उस एक्सचेंज पर जाना है, जैसे यहाँ पर अनाउंसमेंट आएगी आपने सिंपली जल्दी से जाकर वहां पर उसी एक्सचेंज पर उसको बाय कर लेना है। अब क्या होगा, जब आप उसको बाय करेंगे तो नेक्स्ट डे जब तक वो वहां पर लॉन्च नहीं होगा बाइनांस पर, तब तक हमें यहाँ पर इस एक्सचेंज पर इसमें पंप देखने को मिलेगा। सो आप यहाँ पर इजिली 20% या 30% तक प्रॉफिट बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। सो आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए कि आप उसको वहां पर बाय करें एंड एक्सचेंज पर ट्रांसफर करें, देन आप वहां पर उसको जाकर सेल करेंगे तो उसका ज्यादा इतना प्रॉफिट आपको नहीं होगा। लेकिन इसकी हम बात करें अभी जो बाइनांस ने अनाउंसमेंट किया है APT की, तो APT अभी किसी एक्सचेंज पर पहले से अवेलेबल नहीं है, तो इसका क्या सीन होगा, इसके लिए बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो सकता है और लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है।
सो इसको आपने तभी लेना है जब आप रिस्क टेक करो, अदरवाइज अगर आपके पास सिर्फ $50 है और आप उसको कह रहे हैं कि ये इसको मैं आप तुक्के पे लगा देता हूँ $100 हो जाएगा, तो ऐसा आपने नहीं करना। यहां पर आपने टाइम देख लिया, अब आपने क्या करना है, 6 AM पर इसने लॉन्च लिस्ट करना है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। तो आपको मैं पाकिस्तान के मुताबिक बताता हूं कि जैसे इसने लिस्ट करना है 6 AM को, तो आपने 5:50 पर बिल्कुल रेडी रहना है। 5:50 पर आपके पास इंटरनेट और यहां पर जो आपका लैपटॉप या मोबाइल या जिस पर भी आप फाइनेंस पर ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल रेडी होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास नेट की स्पीड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपके पास नेट की स्पीड बिल्कुल लो हो, यहाँ पर 3G या बिल्कुल लो क्वालिटी का हो वहां पर नेट, तो आपने वहां पर इस स्ट्रेटजी को या ये रिस्क नहीं लेना, बिकॉज यहाँ पर सेकंडों में ही गेम होती है। यहाँ पर आप अगर देखें यहाँ पर एक एक सेकंड में आपको प्राइस 50 या इस तरह 50% या 40% अप डाउन नजर आएगी कुछ ही सेकंडों में। तो वहां पर अगर आपका नेट लो है या आपके पास इतना ज्यादा स्पीड का नेट नहीं है तो वहां पर आप बहुत ज्यादा लॉस कर जाएंगे। आप यहां पर अपना सब कुछ 550 पर रेडी कर लेंगे तो आपके पास हर चीज होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपका जो फंड है वो स्पॉट वैलेट में होना चाहिए। अगर आपके पास $1,000 है तो आप उसमें से सिर्फ $100 या $50 को आप अपने स्पॉट वैलेट में रखेंगे, बाकी जो आपके पास फंड होगा उसको आप ट्रांसफर कर देंगे मार्जिन में या फ्यूचर वैलेट में कि वो सेफ रहे। अब आपने यहां पर क्या करना है, आपके पास लिमिट सिलेक्ट होगा तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है मार्केट में, मार्केट आपने यहां पर सिलेक्ट कर लेना और आपने यहां पर जो आपका फंड होगा वो आपने यहां पर 100% ही यहां पर सिलेक्ट करके बैठना, जो आपके पास 50 या $100 होगा सिर्फ, आपने उसको यहां पर 100% तक यहां पर सिलेक्ट कर देंगे। और जैसे ही यहां पर आपको टाइम शो होने लग जाएगा 2-3 घंटे पहले, तो आप इस तरह ही उसको इसको यहां पर चार्ट ओपन कर बैठेंगे, जिस तरह यहां पर कैंडल्स नजर आ रही है तब यहां पर आपको टाइम नजर आ रहा होगा। तो आपने यहां पर देखना है, वहां पर काउंट डाउन उसका स्टार्ट हो चुका होगा, तो आपने देखना है जैसे यहां पर सेकंडों में बात पहुंचेगी कि अभी 10 सेकंड रहते हैं, तो उसमें जैसे ही वहां पर 0 सेकंड आएगा तो आपको यहां पर नजर आएगा कि उसने अच्छा खासा ही पंप ले लिया है। तो आपने आप या तो सबसे पहले आपने बाई करना है, जैसे वहां पर 1 सेकंड रहता होगा तो आपने यहां पर अपना मार्केट को सिलेक्ट करके बैठना है और यहां पर आपने फुल यहां पर जितना भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं 50% या 100% आपने बाई करना है, आप उसको सिलेक्ट करके बैठेंगे और यहां पर आपके पास मार्केट का ऑप्शन आ रहा होगा बाई का, आपने जल्दी से इसको बाई कर देना है फर्स्ट 1 ही सेकंड में या 2-3 सेकंड में, इतना ही आपके पास टाइम होना है, उससे ज्यादा आप यहां पर टाइम नहीं ले सकते। अब ये एक बात, और जैसे आप इसको बाई करेंगे और आपने जल्दी से उसको सेल भी कर देना है, लेकिन आपके पास ये हो कि आपके पास चार्ट ओपन हो, अगर आपके पास यहां पर चार्ट ओपन है तो आप मोबाइल पर भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप उसको बाई करेंगे और आप ऊपर जैसे उसकी प्राइस जाएगी 20% या 30%, आपने उसको उसी टाइम ही सेल कर देना है कुछ ही सेकंडों में, ये नहीं कि आपने वेट करना है अभी और ऊपर जाएगा, इस तरह आपने वेट नहीं करना। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर व्हील्स ने इसको सेल किया, देन यहां पर डंप, तो वहां पर भी ऐसे होगा व्हील्स वहां पर गेम खेलते हैं, सो आपको जल्दी से एंटर होना और जल्दी से वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करके उससे निकल जाना है, ये नहीं कि आप वहां पर बैठे रहें, ये एक तरीका। इसके साथ एक और तरीका ये है कि जब भी कोई न्यू क्वींस लिस्ट होता है तो आपने वेट करना है नेक्स्ट 24 आवर्स का, जब नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स हो जाएंगे तब वहां पर उसकी प्राइस कुछ स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी, देन आप उसको वहां पर बाई कर सकते हैं, बिकॉज पॉसिबिलिटी यही है कि नेक्स्ट 1-2 दिन में उसमें मजीद हमें 10-20% तक अगेन उसमें पंप नजर आएगा। जैसे कि ये कल लॉन्च हुआ है तो इसने अभी 45% तक यहां पर डंप ले लिया, तो अभी यहां पर देखें तो ये एरिया इसके लिए मस्ट है 0.24, यहां पर हम इसको बाई कर सकते हैं और हमें यहां पर ये कुछ ही दिनों में अच्छा खासा 20-30% तक का प्रॉफिट भी दे सकते हैं। सो आपने इसी तरह इसको सेटअप करना है जिस तरह आपको मैंने बताया है। अगर आपको कोई भी इश्यू है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप हमें टेलीग्राम पर या नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा इसको लिस्टिंग के बारे में कोई भी न्यू अपडेट होगी तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको बताता रहूंगा। सो आपने अभी तक अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।